रहीम बंदा ना चीज असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों हमने उसके 4 जोज कर लिए। अब करेंगे जोज नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 5 करेंगे। जोज नंबर 5 एक्स इक्वल टू 3 AT ओवर 1 प्लस टी का क्यूब। बच्चों हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या है, हमारे पास वाई इज इक्वल टू 3 AT का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का क्यूब। बच्चों जब भी दो फंक्शन क्या हो जाएं अलहदा अलहदा, वहां पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल। बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है और इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव। बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास, बच्चों टी, टी के रिस्पेक्ट ले लेंगे। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 3 a क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। डेरिवेटिव t ओवर 1 प्लस t के क्यूब का। बच्चों ये 3 a, इसी तरह अब दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल। ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला हमारा पास दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों ये 3 a इसी तरह, 1 प्लस टी का क्यूब भी इसी तरह, dt के साथ कैंसिल, 1 आ गया डेरिवेटिव माइनस टी। 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0। बच्चों 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। अब यहां पर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बच्चों जब बेस का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, ओवर 1 प्लस टी का क्यूब सारे का होल स्क्वायर। बच्चों ये 3 है, इसी तरह ये था हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी 1 प्लस टी का क्यूब माइनस टी, यहां पर आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे, 2t के ऊपर स्क्वायर आ गया, ओवर 1 प्लस टी का क्यूब ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास 3 a इंटू 1 प्लस टी का क्यूब। अब क्या करेंगे, 3t स्क्वायर को इस टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3t की पावर 3 ओवर 1 प्लस टी का क्यूब ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों हमारे पास आंसर 3 a, ये 1 इसी तरह। अब यहां पर है 1t का क्यूब, यहां पर है 3t का क्यूब, हमारे पास बचेगा माइनस 2t का क्यूब ओवर 1 प्लस टी का क्यूब ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। बच्चों ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये था हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी। बच्चों इस फंक्शन का क्या करेंगे, अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी टी। और बच्चों 3 a क्या है, कांस्टेंट, को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी के क्यूब का। अब यहां पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड, कौन सा रूल लगाना है, बच्चों क्वेश्चन रूल। बच्चों कौन सा रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल 3 a। इसी तरह दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। बच्चों आप लोगों ने ऊपर वाला पहला फंक्शन फर्ज कर लेना है और नीचे वाला दूसरा फंक्शन फर्ज कर लेना अपनी तरफ से। बच्चों ये आ गया डी वाई ओवर डी टी, बच्चों ये 3 a इसी तरह 1 प्लस टी का क्यूब। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो बच्चों 1 नहीं आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर
वन का डेरिवेटिव जीरो, यहां पर लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे बच्चों वन ही आ जाएगा, ओवर वन प्लस टी का क्यूब ऊपर होल स्केयर। बच्चों हमारे पास थ्री ए इंटू वन प्लस टी का क्यूब सात आ गया, टू टी माइनस टी का स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा थ्री टी का स्केयर, थ्री में से वन निकालेंगे टू बचेगा, ओवर वन प्लस टी का क्यूब ऊपर होल स्केयर। बच्चों हमारे पास थ्री ए, इस टू टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टू टी प्लस टू टी का की पावर फोर माइनस थ्री टी की फोर आ गया, ओवर वन प्लस टी का क्यूब ऊपर होल स्केयर। बच्चों हमारे पास थ्री ए, अब ये टू टी इसी तरह आ गया, यहाँ पर है टू टी की फोर, यहाँ पर है माइनस थ्री टी की फोर, हमारे पास बचेगा बच्चों माइनस टी की फोर, नीचे आ गया वन प्लस टी की पावर फोर थ्री ऊपर होल स्केयर। ये था हमारे पास बच्चों डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। अब बच्चों क्या बना लेंगे, चेन। बच्चों हमने चेन रूल का फार्मूला बनाना सीखना है। सबसे पहले y फंक्शन किसका है बच्चों, t का, मैं लिखूंगा यहां पर y इज इक्वल टू t, फिर इसके बाद t फंक्शन x का, t फंक्शन x का यहां पर लिखूंगा t इज इक्वल टू x, y फंक्शन t के बराबर है और t इज इक्वल टू x के बराबर है। बच्चों ये सेम वेरिएबल और ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल, सबसे पहले आप लोगों ने y को x के रेस्पेक्ट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फिर लिखेंगे मसावी, फिर y का डेरिवेटिव लेना है t के रेस्पेक्ट, क्या आंसर आएगा, डी वाई ओवर डी टी, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब t का डेरिवेटिव लेना है x के रेस्पेक्ट, डी टी ओवर डी एक्स। अब बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, हमने ये चेन रूल बनाना सीखना है। अब डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, बच्चों डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या, हमारे पास थ्री ए इंटू टू टी माइनस टी की फोर ओवर वन प्लस टी का क्यूब ऊपर होल स्केयर मल्टीप्लाई। बच्चों यहां पर वैल्यू हमने लिखनी है डी टी ओवर डी एक्स की, जबकि हमने वैल्यू कौन सी मालूम की है, डी एक्स ओवर डी टी। क्या करेंगे बच्चों, इस वैल्यू को वहां पर उल्टा के मेंशन कर देंगे, ये वैल्यू उल्टा के वहां पर लिख देंगे, वन प्लस टी का क्यूब ऊपर होल स्केयर, नीचे थ्री ए इंटू वन माइनस टू टी का क्यूब, टू टी का क्यूब। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल होगी हमारी। अब ये थ्री ए के साथ कैंसल, हमारे पास आंसर बचेगा टू टी माइनस टी की फोर ओवर वन माइनस टू टी का क्यूब। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये था बच्चों जोज नंबर फाइव। अब करेंगे जोज नंबर सिक्स, बच्चों जोज नंबर सिक्स, एक्स इक्वल टू ए इंटू टी का स्केयर ओवर टू माइनस टी। दूसरा फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास, वाई इक्वल टू बी इंटू टी का क्यूब ओवर थ्री माइनस टी का स्केयर ओवर टू। बच्चों क्या है, दो फंक्शन क्या है अलहदा अलहदा, यहां पर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना है और इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना है, इसके बाद बनाएंगे हम चेन और वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी मसावी ए, इसी तरह वन ओवर टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव टी स्केयर का, फिर डेरिवेटिव टी का। बच्चों देखो ये टू क्या है, नीचे डिवाइड के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे वन ओवर टू,
बच्चों हमारे पास ए इसी तरह 1/2 पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, डीटी डीटी के साथ कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। बच्चों ये ए इसी तरह, ये 2 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर t-1। ये था हमारे पास dx/dt। अब बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इन इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास टी के रिस्पेक्ट ले लेंगे, dy/dt, बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, 1/3 भी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव टी के क्यूब का 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव टी स्क्वायर का, ये बी इसी तरह 1/3 आ गया। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बच्चों बेस का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, ये माइनस का 1/2, इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों ये 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, बी इंटू टी स्क्वायर, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, माइनस टी, बच्चों ये बी इसी तरह, बच्चों यहां से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस का टी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा माइनस का टी प्लस का 1, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का बी टी इंटू 1 को शुरू में लिख लेंगे, माइनस टी को बाद में लिख लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहां से, क्या कॉमन ले लेंगे टी, क्या बचेगा टी माइनस 1 बचेगा, ये था हमारे पास dy/dt। अब बच्चों क्या बना लेंगे, चेन, चेन रूल हमने बच्चों बनाना सीखना है, y फंक्शन t का मैं यहां पर लिख दूंगा y=t। इसी तरह अब t फंक्शन किसका है, x का, t किसके बराबर है, x के बराबर है। सबसे पहले ये बच्चों सेम वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल, y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आएगा dy/dx, फिर लिखेंगे मसावी। अब y का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आ जाएगा dy/dt, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आ जाएगा dt/dx आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे dy/dt की वैल्यू, बच्चों dy/dt की वैल्यू क्या हमारे पास, बी इंटू टी इंटू टी माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब यहां पर है dt/dx की वैल्यू, जबकि हमने वैल्यू फाइंड की है dx/dt, क्या करेंगे बच्चों, इसका बटा कर लेंगे 1, इसको वहां पर उल्टा के लिख देंगे 1/a (t-1)। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, bt/a, ये था हमारे पास dy/dx जो कि उसने रिक्वायर्ड किया था, फाइंड करो dy/dx। बच्चों ये था जोज नंबर 6, अब करेंगे जोज नंबर 7। बच्चों जोज नंबर 7, x=1-t² / 1+t² बच्चों दूसरा फंक्शन क्या हमारे पास, y=2t/1+t². बच्चों दो फंक्शन क्या है, अलहदा अलहदा, यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, चेन रूल, इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है और बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dx/dt 1-t² / 1+t². अब दो फंक्शन क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल लगेगा बच्चों, कोशेंट रूल, ऊपर वाला पहला फंक्शन है और नीचे वाला हमारा दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1-t² माइनस, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1+t² ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर, बच्चों ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया,
वन प्लस टी स्क्वेयर, इसी तरह वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, ये दरमियान वाली माइनस, वन माइनस टी स्क्वेयर, वन का डेरिवेटिव जीरो, टी का टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव, टी स्क्वेयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो बच्चों वन ही आ जाएगा, ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, बच्चों ये वन प्लस टी स्क्वेयर साथ आ गया माइनस का टू टी इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर साथ आ गया टू टी ओवर वन प्लस टी का स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, बच्चों इस माइनस टू टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टू टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का टू टी माइनस टू टी की पावर थ्री, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू टी माइनस माइनस प्लस, बच्चों माइनस माइनस प्लस टू टी का क्यूब ओवर वन प्लस टी का स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, बच्चों नेक्स्ट स्टेप बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये था हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी, माइनस का टू टी माइनस का टू टी माइनस का फोर टी ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, ऊपर होल का स्क्वेयर आ गया, ये था बच्चों हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू। अब बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा से ले लेंगे, बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा से लेना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा से लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी टी, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव टी ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर का टू, इसी तरह कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, क्वेश्चन रूल, क्योंकि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर डिवाइड, कौन सा रूल लगाना है बच्चों, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वेयर, बच्चों ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वेयर, ये टू, इसी तरह वन प्लस टी स्क्वेयर, इसी तरह डी टी, डी टी के साथ कैंसिल वन आ गया टी, इसी तरह वन का डेरिवेटिव जीरो, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बच्चों बेस का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, बच्चों ये टू, इसी तरह वन प्लस टी स्क्वेयर माइनस का टी इंटू टू टी, बच्चों टू में से वन निकालेंगे तो वन वन टी आ गया, साथ टू था टू भी आ गया, ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, ये था हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, ये टू, इसी तरह वन प्लस टी स्क्वेयर, टू टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू टी स्क्वेयर ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, बच्चों ये टू, इसी तरह ये वन भी इसी तरह, और ये है वन टी स्क्वेयर, ये है माइनस का टू टी स्क्वेयर, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, माइनस का टी स्क्वेयर ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर, ये था हमारे पास डी वाई ओवर डी टी। अब बच्चों क्या बना लेंगे, चेन, बच्चों हमने चेन रूल बनाना सीखना है, वाई फंक्शन किसका, वाई किसके बराबर है, टी के बराबर है, मैं लिख दूंगा वाई इज इक्वल टू टी, बच्चों अब टी फंक्शन किसके बराबर है, एक्स के बराबर, टी इज इक्वल टू एक्स आ गया, वाई का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट, क्या आंसर आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, फिर लिखेंगे मसावी, y का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, डी टी ओवर डी एक्स, बच्चों वैल्यू पुट करते हैं डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी की टू इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर ऊपर होल का स्क्वेयर मल्टीप्लाई। अब यहां पर वैल्यू लिखनी है डी टी ओवर डी एक्स की, जबकि बच्चों हमने मालूम किया डी एक्स ओवर डी टी, क्या करेंगे बच्चों इस वैल्यू को वहां पर उल्टा के लिख देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे, वन प्लस
टी स्केयर ऊपर होल का स्केयर ओवर माइनस का 4t। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, 2 1 टाइम 2 2 टाइम। बच्चों 1 माइनस टी स्केयर नीचे आ गया माइनस का 2t। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।